हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्टिंग अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा टू अ डिटर्मिनिस्टिक वन। मतलब हमने पहले की क्लासेस में देख चुके हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस होता है, डिटर्मिनिस्टिक में एक स्टेट में एक सिंबल रीड करके हम सिर्फ एक ही स्टेट में जा सकते हैं, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है कि एक स्टेट में एक सिंबल रीड करके हम एक से ज़्यादा स्टेट में जा सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ Q0 एक स्टेट है, Q0 में 0 रीड करके हम Q0 में भी जा सकते हैं, Q0 में 0 रीड करके हम Q1 में भी जा सकते हैं। तो ये ऑटोमेटा किस टाइप का है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। अगर अब इस ऑटोमेटा नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा को हमको कन्वर्ट करना होता है इक्विवेलेंट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा में, तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि ये हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा दिया गया है, इसे हमें डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा फाइंड करके बनाना है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, इसी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे। अब देखते हैं कैसे। हमारा इनिशियल स्टेट क्या है, Q0। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इनिशियल स्टेट है। तो हमने Q0 से स्टार्ट किया, और हमारे पास इनपुट सिंबल, जो हमने डेफिनेशन देखा था, फॉर्मल डेफिनेशन इनपुट सिंबल, तो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटा में इनपुट सिंबल कौन कौन से हैं, सिर्फ 0 और 1 है। तो हम यहाँ स्टेट्स लिखते जाएंगे और यहाँ पे हमारे इनपुट सिंबल, तो इनपुट सिंबल हमारे पास है 0 और 1। तो स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट से। Q0 में 0 रीड करके देखें कहाँ जा रहे हैं हम, Q0 में 0 रीड करके हम Q0 पे जा रहे हैं, Q0 में 0 रीड करके हम Q1 पे भी जा रहे हैं। तो हमने दोनों स्टेट्स लिख दिया है। अब ये ब्रैकेट का मतलब होता है ये सेट, है ना। अब हम Q0 Q1 को एज अ वन स्टेट, एक स्टेट जैसे ट्रीट करेंगे। तो हमने ये लिख लिया Q0 से हम Q0 रीड करके Q0 में जा रहे हैं, Q0 से 0 रीड करके हम Q1 में भी जा रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं Q0 में 1 रीड करके हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हम सिर्फ Q1 में जा रहे हैं। तो ये हमने यहाँ लिख दिया Q0 में 1 रीड करके हम Q1 में जा रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो हम स्टेट लेंगे वो राइट हैंड साइड में हमें कोई एक नया स्टेट जो मिलेगा, उस स्टेट को हम यहाँ नीचे लिखेंगे और फिर उसके मूव्स ढूंढेंगे। तो हमें Q0 Q1 एक नया पेयर मिला, है ना। तो हमने इसको नीचे उतार लिया, यहाँ पे Q0 और Q1 में देखेंगे। अब इस पेयर में हमें दोनों स्टेट्स देखना पड़ेगा, मतलब Q0 में 0 रीड करके कहाँ जा रहे हैं, Q0 में 1 रीड करके कहाँ जा रहे हैं वो भी लिखेंगे, Q1 में 0 रीड करके कहाँ जा रहे हैं, Q1 में 1 रीड करके कहाँ जा रहे हैं वो भी लिखेंगे। कैसे, देखते हैं। Q0 में 0 रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 में और Q1 में। तो हमने लिख दिया Q0 Q1। Q1 में 0 रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 में 0 रीड करके हम जा रहे हैं Q2 में। तो हमने Q2 भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और कहीं नहीं जा रहे हैं हम, है ना। Q0 में 1 रीड करके कहाँ जा रहे हैं, Q1 में जा रहे हैं एक, तो Q1 लिख दीजिए यहाँ पे। और Q0 में 1 रीड करके और कहीं जा रहे हैं, नहीं। Q1 में 1 रीड करके कहाँ जा रहे हैं, Q2 में जा रहे हैं। और कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, Q1 में 1 रीड करके Q2। तो Q1 Q2 यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें नया पेयर क्या मिला, Q1, है ना। तो Q1 को नीचे उतारते, अभी ये वाला हमने देख लिया है, इसके लिए मूव्स देख लिए, ये नया सेट मिला, इसको नीचे उतारेंगे। Q1 में 0 रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 में। तो Q2 लिख दिया। Q1 में 1 रीड करके कहाँ जा रहे हैं, वो भी हम Q2 में जा रहे हैं। तो हमने ये नया स्टेट लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये इसके लिए हमने मूव्स देख लिए, इसके लिए हमने मूव्स देख लिए। अब इसके लिए हम मूव्स देखते हैं, Q0 Q1 Q2, ये एक नया पेयर मिला, तो ये नया पेयर उतार लीजिए नीचे। अब Q0 में 0 रीड करके कहाँ जा रहे हैं, Q0 में जा रहे हैं, अब Q1 में जा रहे हैं। Q1 में 0 रीड करके कहाँ जा रहे हैं, Q2 में जा रहे हैं। तो Q2 भी हमने यहाँ लिख दिया। Q2 में 0 रीड करके हम कहीं नहीं जा रहे हैं, 0 मूव नहीं है Q2 में, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। तो ये तीन स्टेट मिल गए। अब Q0 में 1 रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 में 1 रीड करके हम Q1 में जा रहे हैं, हमने Q1 लिख दिया। Q1 में 1 रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 में जा रहे हैं, तो हमने Q2 लिख दिया। Q2 में 1 रीड करके कहाँ जा रहे हैं, Q2 में जा रहे हैं। Q2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए इसको दो बार लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, नेक्स्ट हमें कौन सा नया पेयर मिला, Q2
Q2 मिला, हम Q2 का मूव देख लेंगे। यहाँ Q1 Q2 मैंने पहले लिख लिया है, दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। अब Q1 Q2 नया पेयर मिला, तो हमने Q1 से हम वन रीड ज़ीरो रीड करके कहाँ जा रहे हैं, Q1 से ज़ीरो रीड करके कहाँ जा रहे हैं, Q2 में जा रहे हैं, हमने Q2 लिख दिया। Q2 से ज़ीरो रीड, ज़ीरो मूव नहीं है। Q1 से वन रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 में जा रहे हैं, और Q2 से वन रीड करके भी हम Q2 में ही जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा कौन सा पेयर रह गया है, सिर्फ Q2। तो Q2 का मूव देख लेते हैं। Q2 के लिए ज़ीरो मूव नहीं है, मतलब ज़ीरो कोई मूव नहीं है, तो हम इसको 5 लिखेंगे। Q2 में वन रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 में जा रहे हैं। अब देखिए सारे इस दर जितने भी नए पेयर्स मिले थे उन सब के लिए हम मूव्स यहाँ पे देख चुके हैं, तो ये हमारा स्टेट टेबल बन गया है। अब इस स्टेट टेबल से हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे। ठीक है, जितने जो इनिशियल स्टेट हैं आपके, इनिशियल स्टेट है आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे, और जो फाइनल स्टेट है, अब फाइनल स्टेट हम कैसे लेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास फाइनल स्टेट कहाँ था, Q1। तो जिस जिस पेयर में Q1 अकर होगा वो सारे स्टेट फाइनल स्टेट कहलाएंगे। तो Q1 कहाँ कहाँ है, Q1 आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और आपका Q1 यहाँ पे भी है, Q1 आपका यहाँ पे भी है। तो ये सारे स्टेट आपको फाइनल स्टेट रखने होंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने मूव्स लगेंगे। Q0 हमारा इनिशियल स्टेट है, Q0 में ज़ीरो रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, ये सारे स्टेट्स पहले आप लिख देंगे। कौन कितने स्टेट मिले हमें, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे डायग्राम में कितने स्टेट आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और ये हमने 5 ले लिया है क्योंकि हमारे पास 5 मूव हैं। ठीक है, तो आप इस स्टेट टेबल से हमको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। Q0 में ज़ीरो रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 Q1 में, तो मूव बना दीजिए Q0 Q1 में। Q0 में वन रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 में, तो Q1 में एक एरो बनाएंगे और यहाँ पे वन रीड करेंगे। अब Q0 Q1 के लिए देखते हैं, Q0 Q1 में हम ज़ीरो रीड करके कहाँ जाना है, Q0 Q1 Q2, और वन रीड करके कहाँ जाना है, Q1 Q2। ऐसे ही हम Q1 के लिए देखेंगे, Q1 में ज़ीरो रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 में, और वन रीड करके भी हम Q2 में जा रहे हैं। तो ये हमने मूव बना लिया। अब नेक्स्ट है हमारा Q0 Q1 Q2, इसमें हम ज़ीरो रीड करके कहाँ जा रहे हैं, Q0 Q1 Q2 में ही जा रहे हैं, वन रीड करके हम Q1 Q2 में जाएंगे। तो वन का मूव हम Q1 Q2 में बना देंगे। Q1 Q2 में क्या है, ज़ीरो और वन रीड करके दोनों हम Q2 में ही जा रहे हैं, और Q2 में ज़ीरो रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, 5 में, मतलब ज़ीरो मूव नहीं है। आप चाहें तो ये बना सकते हैं डायग्राम में, या हम इसको ज़ीरो मूव ना भी बनाएं तो भी इट विल बी करेक्ट। तो Q2 में वन रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 में ही जा रहे हैं, और जितनी भी स्टेट्स जिसमें Q1 का अकरेंस है वो हमारी फाइनल स्टेट, हम उनको फाइनल स्टेट बना देंगे। यहाँ पे भी Q1 है तो ये भी हमारा फाइनल स्टेट होगा, यहाँ पे भी Q1 है तो ये हमारा फाइनल स्टेट होगा। तो ये जो हमारा गिवन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा था उसका इक्विवेलेंट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ये कहलाएगा। अब जब भी हम किसी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनिस्टिक में, तो लैंग्वेज कभी नहीं चेंज होती है। जो लैंग्वेज हमारा ये ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा था, सेम वही लैंग्वेज हमारा डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा भी एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे। थैंक यू।